Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माता जी एक दिन पहले अस्पताल से आई है, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है, आईटीओ पे हम जा नहीं सकते हैं। एक मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है, जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे, दुनिया के अंदर नंबर वन ट्रेंड आए स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है, जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। देखिए, कोर्ट में हम तीन बातें रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को उनके परिवार से मिलने की इजाजत हो, अरविंद केजरीवाल जी को उनके वकील से मिलने की इजाजत हो, और अरविंद केजरीवाल जी अपने ऑफिशियल काम करने के लिए पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी है।